Hello dear learners, welcome to the e-lecture. Today's topic for the e-lecture is communication. We will deal with the meaning of communication, the concept of communication and the process of communication. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. So let's begin our today's e-lecture. What is communication? Communication kya hai? Communication is a dynamic process that takes place around us all the time. Communication ek aisa process hai jo ki dynamic hai. Dynamic matlab jo badalta rehta hai, ek jaisa nahi hota hai. Aur communication jo hai wo hamare aas paas hamesha hota rehta hai. In fact, we spend 70% of our time receiving and sending messages. अगर हम average देखें तो एक person का 70% time जो है वो messages को receive करने में या messages को भेजने में ही जाता है. और messages को receive करना, messages को भेजना ही communication है. This is part of communication. This is part of the process of communication. मैसेज का जो आदान प्रदान है, मैसेज का जो रिसीव एंड सेंडिंग जो ऑप्शन है, ये क्या है? ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस है. सो लेट्स एनालाइज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेयर और कम्युनिस. कम्युनिकेशन जो वर्ड है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो ओरिजिन है, वो हुआ है कम्युनिकेयर या कम्युनिस्ट वर्ड से, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है, कम्युनिकेयर या कम्युनिस्ट का मीनिंग क्या होता है? टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट, टू शेयर और टू मेक कॉमन. इम्पार्ट मतलब, पार्टिसिपेट मतलब, शेयर मतलब, मेक कॉमन. जब हम किसी कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम कुछ शेयर करते हैं, टू मेक कॉमन, जब किसी चीज़ को हम किसी के साथ शेयर करके उसे जनरल से कॉमन, मतलब उसे यूनिक से कॉमन कर देते हैं, किसी चीज़ का कोई मीनिंग निकालते हैं, तो ये सब होता है कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट का मीनिंग. द सेंस ऑफ शेयरिंग इज इनहेरेंट इन द वेरी ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जो शब्द है, कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है शेयरिंग. शेयर करना, शेयर जो करना है, वही कम्युनिकेशन के मीनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, पार्ट है. नाउ लेट्स एनालाइज द डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन. कीथ डेविस डिफाइंड कम्युनिकेशन as a process of passing information and understanding from one person to another. Keith Davis ke anusar communication ek aisa process hai jisme hum information ka adan pradan karte hain, information ko pass karte hain aur ek vyakti se dusre vyakti tak understanding ko bhi pass karte hain, samajh ko bhi hum pass karte hain. Hamari jo information hai uske madhyam se hum understanding ko bhi exchange karte hain. John Adair defined communication in terms, communication is essentially the ability of one person to make contact with another and make himself or herself understood. Communication basically किसी भी व्यक्ति की वो ability, वो योग्यता है जिससे वो दूसरे व्यक्ति के साथ contact करता है, संपर्क करता है और अपने आप को, सामने वाले को समझाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है. विलियम न्यूमैन एंड चार्ल्स समर सेज कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस और इमोशंस ऑफ टू और मोर पर्सन्स. विलियम न्यूमैन एंड चार्ल्स समर के अनुसार कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक एक्सचेंज है जिसमें क्या एक्सचेंज किए जाते हैं? आइडियाज़ एक्सचेंज किए जाते हैं, फैक्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं, ओपिनियंस एक्सचेंज किए जाते हैं,
इमोशंस एक्सचेंज किए जाते हैं दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा. सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? इन तीन डेफिनेशंस को पढ़कर आपको क्या समझ में आया कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना, और ना केवल पहुंचाना बल्कि अपनी बात को सामने वाले को समझाना, और उससे आप जो भी डिज़ायर्ड फीडबैक या रिजल्ट चाह रहे हो वैसा फीडबैक प्राप्त करना ही कम्युनिकेशन है. क्लासरूम में जब टीचर आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं तो टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ. तो जब टीचर अपनी इन्फॉर्मेशन को या आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, लेक्चर को स्टूडेंट्स के साथ एक्सचेंज करते हैं तो केवल वही कम्युनिकेशन नहीं है बल्कि स्टूडेंट्स को उनका वो जो एक्सचेंज है वो समझ भी आ रहा है या नहीं, या स्टूडेंट्स को प्रॉपरली समझाना जो वो कहना चाह रहे हैं वो कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं होता है, कम्युनिकेशन दो तरफा होता है जिसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है. एक भेजने वाला होगा और एक प्राप्त करने वाला होगा. एक स्पीकर होगा, एक लिसनर होगा. एक बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला होगा. तो इसीलिए कम्युनिकेशन में यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि केवल आपको अपनी बात नहीं रखनी है बल्कि आपको अपनी बात सामने वाले तक इस तरीके से भेजनी है, इस तरीके से रखनी है कि वो आपकी बात को समझे और बिल्कुल उसी अर्थ में समझे जो आपका कहने का अर्थ है. लुई एलन सेज कम्युनिकेशन इज़ अ ब्रिज ऑफ मीनिंग. ये मीनिंग का ब्रिज है. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. Communication में क्या है? Communication एक systematic process है, एक continuous लगातार चलने वाला process है जिसमें क्या क्या है? Telling, कुछ कहना, listening, उस बात को सुनना, and understanding, और फिर जो कही गई बात है, जो सुनी गई बात है उसे समझना. ये जो पूरा प्रोसेस है ये सिस्टमैटिक तरीके से चलता है कि पहले कोई कुछ कहेगा, फिर कोई उसे सुनेगा, और सुनने के बाद उसे अंडरस्टैंड करेगा, उससे मीनिंग डिराइव करने की कोशिश करेगा. सो दिस प्रोसेस इज कम्युनिकेशन. पीटर लिटिल सेज कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स and or organizations so that an understanding response results. Communication क्या है? एक process है जिसके माध्यम से information को transmit किया जाता है, information को exchange किया जाता है. Information दो लोगों के बीच में हो सकती है या दो organizations के बीच में हो सकती है, किसी individual की किसी organization के बीच में हो सकती है. और वो इन्फॉर्मेशन क्यों एक्सचेंज की जा रही है? ताकि जो रिस्पॉन्स हम चाह रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग हम चाह रहे हैं, वही रिस्पॉन्स निकल कर आए, वही अंडरस्टैंडिंग निकल कर आए. मर्फी, हिल्डब्रांड एंड थॉमस सेज कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस. कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस को ट्रांसमिट भी किया जाता है और रिसीव भी किया जाता है. वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस, वर्बल मैसेजेस वह मैसेजेस होते हैं जिनमें शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, और नॉन वर्बल मैसेजेस वह मैसेजेस होते हैं जिनमें वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है. तो दोनों ही तरीके के मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए रिसीव करना ही यही कम्युनिकेशन का प्रोसेस है. It is considered effective when it achieves the desired response or reaction from the receiver. Communication तभी effective communication माना जाता है जब जो हमारा जो receiver है, जो हमारा listener है, उससे हमें वही response, वही reaction प्राप्त हो जो कि हम उससे चाह रहे हैं, जो कि desired है, जो कि हम उससे चाह रहे हैं. वही रिस्पांस मिलने पर, वही रिएक्शन मिलने पर ही कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है. सो दीज वर दी डेफिनेशंस टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. तो आपको समझ में आया होगा कम्युनिकेशन क्या है. कम्युनिकेशन है कुछ कहना जिसमें स्पीकर कुछ कहता है, जो रिसीवर है, जो लिसनर है, वो कुछ सुनता है और फिर उसे अंडरस्टैंड करता है, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करता है, और फिर समझने के बाद में एक फीडबैक, एक रिएक्शन, एक रिस्पॉन्स देता है
स्पीकर को, और अगर वो रिस्पांस और रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि डिज़ायर्ड था, जैसा कि चाहा गया था, तो इट मींस वो कम्युनिकेशन एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस मतलब जिसमें एक लिसनर होता है, एक स्पीकर होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। ये दो वे, टू वे होता है, मतलब ऐसा नहीं कि स्पीकर ने कुछ कहा और कम्युनिकेशन हो गया। नो, जब तक लिसनर ने आपकी बात को समझकर आपको आपका डिज़ायर्ड फीडबैक ना दे दिया हो, तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, वो एलिमेंट्स हैं, इसमें एक सेंडर होता है। सेंडर कौन? जो कि मैसेज को भेज रहा है। एक मैसेज होता है जो कि हमारा कंटेंट है, जो कि हमारा आइडिया है, जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ भी हो सकता है, वो मैसेज हम भेजते हैं। एक मीडियम हम चूज़ करते हैं कि वर्बल भेज रहे हैं, नॉन वर्बल भेज रहे हैं। एक चैनल हम यूज़ करते हैं कि रिटन में भेजेंगे या ओरल में भेजेंगे या किस तरीके से भेजेंगे, ईमेल से भेजेंगे, लेटर से भेजेंगे, कैसे हमें अपना मैसेज भेजना है। एक रिसीवर होता है जो कि उस मैसेज को रिसीव करेगा। एक रिस्पॉन्स एंड फीडबैक, और फिर उस रिसीवर से हमें एक रिस्पॉन्स और फीडबैक मिलता है। सो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड होते हैं। हाउएवर, इट इज़ नॉट सफिशियंट टू हैव जस्ट ऑल दीज एलिमेंट्स। केवल यही एलिमेंट्स होना काफ़ी नहीं है। देयर शुड बी कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पार्टीज इन्वॉल्व्ड। जिन दो लोगों में, जिन दो पार्टीज़ में कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके बीच में कोऑपरेशन, सहयोग और अंडरस्टैंडिंग का होना भी ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट फॉर सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉमन लैंग्वेज और कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ जेस्चर। जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो सक्सेसफुल और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होने के लिए ज़रूरी है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके बीच में कुछ कॉमन हो, कुछ सेम सिमिलर सा हो। या तो कम्युनिकेशन इसी लैंग्वेज में किया जाए जो लैंग्वेज दोनों समझते हो, एक अगर वो दोनों एक ही कल्चर से जुड़े हुए हैं तो भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो एक दूसरे के कल्चर से वाकिफ हैं, अक्नॉलेज्ड हैं, अक्वेंट हैं, तो वो समझ जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे कल्चर वाले व्यक्ति से बात कर रहा है, तो उसे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बिकॉज़ उसे बहुत सावधान, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि वो कैसे वर्ड्स को यूज़ कर रहा है, वो कैसे जेस्चर्स को, कैसे जेस्चर्स मतलब होते हैं हाव भाव, किस तरीके के हाव भाव यूज़ कर रहा है। बिकॉज़ हो सकता है जो चीज़ आपके कल्चर में एक्सेप्टेड है, आपके कल्चर में जिस चीज़ को ईजी वे में लिया जाता हो, दूसरे कल्चर के लिए वो ऑफेंसिव हो, या दूसरे कल्चर में वो चीज़ ईजीली एक्सेप्ट नहीं की जाती हो। तो ऐसे में दोनों पार्टीज़ के बीच में कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग की इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। एसेंशियली कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द सेंडर और द कम्युनिकेटर एंड द रिसीवर। अगर हम बेसिक्स की बात करें तो बेसिकली कम्युनिकेशन में एक सेंडर या कम्युनिकेटर होना चाहिए जो कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, और एक रिसीवर होना चाहिए। बोथ शुड नेसेसरीली शेयर अ म्यूचुअली एक्सेप्टेड कोड, फॉर एग्जांपल अ कॉमन लैंग्वेज। कम्युनिकेशन के सक्सेसफुल होने के लिए सेंडर और रिसीवर दोनों को एक जो उनकी कॉमन लैंग्वेज है उसे अपना मीडियम चूज़ करना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। The context in which the communication takes place is called the communication environment. जिस संदर्भ में, जिस context में communication होता है, उसे हम communication environment कहते हैं। The content of the code is sent in a certain medium. जो content है, जो हमारा message है, उसे किसी निश्चित medium के माध्यम से भेजा जाता है। Oral हो सकता है, written हो सकता है, non-verbal हो सकता है। Basically verbal और non-verbal medium होते हैं। Using channels, वो कोई channel use कर सकते हैं, एयर, माइक्स, बॉडी, पिक्चर्स, टेक्स्ट एट्सेट्रा। आजकल हम इमोजीज को भी यूज़ करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। हम किसी ग्राफ के थ्रू, किसी पोस्टर के थ्रू भी अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। हम किसी ड्राफ्ट के थ्रू भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एनकोडेड मैसेजेस। और मैसेज इस तरीके से एनकोड किया जा सकता है। द कोड इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन लैंग्वेज। कोड केवल एक ही लैंग्वेज में नहीं होता है। इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कॉस्ट्यूम्स,
जेस्चर्स, कलर्स अमंग अदर थिंग्स। लैंग्वेज के अलावा भी जो हमारा मैसेज है उसमें कॉस्ट्यूम भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जेस्चर्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे कलर्स जो हमने पहने हैं या जो कलर्स हम चूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टीच यू टूडे। अब आपको ये नोटिस करना है कि आप कब कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कब कौन सा मीडियम चूज़ करते हैं अपनी बात को इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस करने के लिए। टिल देन कीप स्टडिंग, वी विल मीट यू सून। थैंक यू।